अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारे साथ शख्सियत है, मैंने आपसे कहा था कि हम एक्सपर्ट्स के साथ साथ यूथ को भी बुलाते रहेंगे, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारी यूथ क्या सोचती है। तो हमारे साथ है अ वेरी यंग एनर्जेटिक नमीरा। शी इज करंटली डूइंग बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, हैड एन इंटर्नशिप एट जियो फॉर क्वाइट सम टाइम। सो लेट्स वेलकम नमीरा। अस्सलाम वालेकुम नमीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि हर जगह आप एक्सपीरियंस मांगते हैं और एक्सपीरियंस भी कहीं जॉब करने से ही मिलता है, लेकिन आपको नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है हम जैसों के लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चैनल को स्टार्ट किया। सो नाइस ऑफ यू। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा प्लेटफॉर्म खासतौर पे आप जैसे लोगों के लिए जो मास कम्युनिकेशन में हैं इस वक्त, वर परस्यूइंग देयर करियर इन मास कम्युनिकेशन कैन बी अ रियल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आपको जाहिर है पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो आई एम श्योर कि जो आपका हिडन टैलेंट है वो पूरी दुनिया को, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि बिफोर गोइंग टू योर जॉब आइडेंटिफाई हो सकता है। अच्छा जी नबीरा, और मैं आज आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े जबरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे आपसे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब हमने बात की थी तो आपको बहुत पसंद आई थी वो वीडियो, तो मैंने सोचा आज आपके साथ एंटरटेनमेंट मीडिया के हवाले से बात की जाए कि एंटरटेनमेंट मीडिया का ओवरऑल क्या रोल रहा है। तो बिफोर वी गो एनी फर्दर नमीरा, जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हमारी क्या मुराद है एंटरटेनमेंट से? व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एंटरटेनमेंट? जी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। इंटरटेनमेंट के लफ्जी मायने ही लुक्स के होते हैं, तो इंटरटेनमेंट मीडिया को इजीली इस तरीके से समझा जा सकता है कि एनी प्लेटफॉर्म, इसमें यूट्यूब भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, दैट एम टू एंटरटेन पीपल, जो कि लाफ्टर, फन और एंजॉयमेंट का बायस बने लोगों के लिए, उनको लुत्फ अंदोज करे, उनके लिए तफरीह के मौके फराहम करे, वो एंटरटेनमेंट मीडिया कहलाता है। बहुत आसान लफ्जों में अगर इंटरटेनमेंट मीडिया को समझाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट मीडिया का पाकिस्तान में अब तक क्या रोल रहा है नमीरा? पाकिस्तान में क्या रोल रहा है, इसको समझाने के लिए मैं पहले इसको एक इस्लामी या मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से बता दूं कि मुस्लिम वर्ल्ड में जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलाते हो ना, तो आपको सिर्फ अपने रोल का, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रोल का ख्याल नहीं रखना है, आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हो। आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप एक मुस्लिम हो और एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में जो है आप काम कर रहे हो, तो आपको अपनी मजहबी जिम्मेदारी को भी मनोज़ खातिर रखना पड़ता है जब आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चलाते हो। तो अगर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात करें तो वहाँ पे तो फिर भी हमें ऐसा कंटेंट मिलता है, ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्म मिलती हैं जो कि वाकई लोगों के लिए फायदेमंद होती थी, उन्हें सबक देती थी। उर्दू जबान को उससे फरोग मिला, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जाता जा रहा है, अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसा लगता है मगरिब से जो है ना मरवूब हो चुकी है और बिल्कुल उसी की कॉपी की जाती है। तो अगर रोल की बात की जाए ना, तो इंडस्ट्री अपना रोल उस हिसाब से नहीं निभा रही जिस तरीके से उसे करना चाहिए था, या बिल्कुल पाकिस्तान के आजाद होने के बाद जिस तरीके से किया गया था। जी, आपने ड्रामों की बड़ी अच्छी बात की नमीरा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम एक जमाने में ड्रामों के हवाले से बड़ा जाना जाता रहा है। खासतौर पर अगर मैं पाकिस्तान टेलीविजन की बात करूं तो एक हमारे बचपन में बड़े ही खूबसूरत ड्रामे टेलीकास्ट होते रहे मुख्तलिफ स्टेशन से पाकिस्तान टेलीविजन के। मैं अगर छोटी सी मिसाल दूं तो उनमें धुआं सीरीज बड़ी जबरदस्त रही, हवाएं सीरीज आई, आंगन टेढ़ा, इसी तरह बच्चों के लिए फैमिली फ्रेंड के नाम से एक ड्रामा आता था, एना क्वाला जिन वाज अ ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड प्ले। उसके अलावा मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग जुम्मे को अक्सर देखा करते थे, उसका टाइम ही मुझे याद है, शाम को 6 बजे आता था वो। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्टेड प्ले वो द किड्स। उसके अलावा उस जमाने में और बहुत सारे आंगन और बहुत सारे ड्रामे आते थे। उसके बाद जब प्राइवेट मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम प्राइवेट मीडिया के अंदर कुछ ड्रामे जरूर मैं कह सकता हूँ, जैसे हमसफर था, वसल था, वो आए, लेकिन उसके बाद अब सही कह रही हैं कि ड्रामों का नॉर्म चेंज हो गया, तो इस पे क्या कमेंट करेंगी, क्यों कर चेंज हो गया, पहले वाली जो लेगेसी है वो क्यों बरकरार नहीं रखी गई हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया में? एक तो उसका सबसे मेजर एस्पेक्ट जो मुझे लगता है, बल्कि सभी को लगता होगा, कि मॉडर्निटी और फिर मगरिब में जो सब कुछ दिखाया जा रहा है जी, उसको इतना ज्यादा एब्जॉर्ब किया गया है, उसको इतना फॉलो किया गया है, या उसको इंस्पिरेशनल माना गया कि उसी चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और भूल गए कि हमारा खुद का कल्चर क्या था।
हम अपनी पहचान ही भूल गए कि हमें किस रास्ते पे जाना था और हम किस रास्ते पे चले। हमने मगरिब को देख देख कर वैसे ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया जो कि हमारे मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ का बायस बना। ऐसा नहीं है हमारे हिस्ट्री में नाम हमारे यहाँ मगरब के साथ साथ जो अनफॉर्चुनेटली ड्रामों की हद तक इन्फ्लुएंस हुए हम वो अपने पड़ोसी मुल्क से भी हो गए ना, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के ड्रामे दिखाए जाते थे। क्या समझती हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुआशरे में नहीं है उसको दिखा रहे हैं और जो मुआशरे में है उसको नहीं दिखा रहे, बिल्कुल उलट कर रहे हैं। जिस चीज को हमारे मजहब ने जायज करार दिया है उसको गलत दिखा रहा है कि ये चीज सही नहीं है, और जो कुछ गलत बोला गया है उसको सही बनाकर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल भूल चुके। बड़ी जबरदस्त बात है ना नमीरा, और आपकी बात इसलिए ज्यादा इफेक्ट करेगी कि आप एज अ गर्ल ये बात कह रही हैं। और कौन कौन सी नॉर्म्स है जो आपको लगता है दही नहीं दिखानी चाहिए और दिखाई जा रही हैं? जी, सबसे मेजर एस्पेक्ट जो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगी कि तलाक को कितना बड़ा गुनाह माना गया है। अल्लाह की नाराजगी का उसको कहा जाता है कि जब खुदा सबसे ज्यादा नाराज होता है तो तलाकें सुनने में आती हैं। हमारे ड्रामे में हर छोटे से बड़े मसले का हल जो है ना तलाक ही बनाकर पेश कर दिया है। या तो कहीं पे मर्द को बहुत ज्यादा मजलूम और बेचारा बना दिया, या कहीं औरत को बहुत ज्यादा मजलूम और बेचारा बना दिया गया, ना जाने क्यों। हमारे मजहब में मर्दों को जायज है कि वो चार शादियां कर सकते हैं, लेकिन जब ड्रामों में ये बात दिखाते हैं तो ना जाने क्यों जो पहली बीवी या साबका बीवी होती है उनको ऐसा दिखाते हैं कि वो दूसरी की जो है दुश्मन ही बन गई, जबकि इस्लाम हमें ये नहीं बताता। इस्लाम ने तो उन दोनों को भी एक साथ में रखने का बताया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से रखा अपनी तमाम जोजाओं को, और तलाक के अलावा भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज हमने देखी कि चपकलिश बहुत दिखाई जाती है ड्रामों में, दिखाई जाती है बहुत। ऐसा लगता है कि हर घर में शायद सिर्फ यही होता है जो हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है। औरत औरत की दुश्मन है, मर्द मर्द का दुश्मन है, जो गरीब है वो किस तरीके से अपना हिसाब लेता है, जो अमीर है वो अपनी ताकत का किस तरीके से इस्तेमाल करता है, चाहे इसका रियलिटी से ताल्लुक हो ना हो, लेकिन ये हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है और इसको लोग ज्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं, क्योंकि लिटरेसी इतने कम है ना हमारे यहाँ पे कि हम आवाम को भी कुछ नहीं कह सकते। उनको दिखाया वो जा रहा है जो उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था। इस तरीके से अगर लोगों की लर्निंग भी हो रही है ना तो वो गलत वे में हो रही है। अच्छा, कुछ नॉवल बेस्ड ड्रामे भी है जैसे मेरी जात जर्रा बेनिशा आया, तो आप क्या समझती हैं नॉवल अच्छे हैं या उनके जो ऊपर जो ड्रामे हमारे यहाँ फिल्माए गए हैं वो बेहतर है? नहीं, मुझे लगता है नॉवेल ज्यादा सही है। नॉवेल इस हिसाब से ज्यादा सही है वो इसलिए कि ड्रामों में जब वो चीज आती है ना तो वो भूल जाते हैं। अगर हम नॉवेल में देखें तो कल्चर को फिर भी बताया जा रहा होता है कि नॉर्मल लाइफ कैसी होती है, लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, लेकिन जब वो ड्रामों में बात आती है तो बिल्कुल अलग ही दिखाते हैं जो हमारे माशरे में है ही नहीं। इस हिसाब का कल्चर दिखाते हैं, फिर उससे बेहयाई भी आ जाती है। सही कह रही हैं आप, इससे मुख्तलिफ राय है, लेकिन आप सही कह रही हैं कि मोस्टली लोगों का ये ख्याल है कि हमारे यहाँ जो नॉवल है वो ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत उसका ड्रामा। अच्छा, कुछ हिस्टोरिक ड्रामा पर आते हैं। अभी हमारे यहाँ टर्किश कल्चर एक दिखाया जाने लगा है, तो आप क्या समझती हैं, क्योंकि इसके दो व्यूज है ना, एक व्यू तो ये है कि इससे हिस्ट्री पता चलती है, लेकिन जो दूसरा व्यू है लाइक मेरा सुल्तान एक ड्रामा आया आपके यहाँ, उसके अलावा उसकी पूरी एक सीरीज आई, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली जो महिलात की साजिशें और फिर उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली कहीं तो मैं क्या इसके लफ्ज इस्तेमाल करूं, फहाशी तक दिखाई गई है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये गलत दिखाया गया है। ये तो सही है कि उन्होंने हिस्ट्री बताई, लेकिन हिस्ट्री को किस तरीके से बताया वो तरीका उनका गलत था, उनकी एग्जीक्यूशन गलत थी, उनका इंटेंशन फिर भी हम सही कह सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में अर्तुगरुल गाजी बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, उसको हम इस पॉइंट से ले सकते हैं जी, उसके अंदर हिस्ट्री है मुसलमानों को किस तरीके का होना चाहिए और सब दिखाया है। और इसमें मैं कहूंगी कि दूसरे टर्की ड्रामों के मुकाबले बेहयाई और फाशी नहीं है उस हिसाब से, अगर दिखाया भी गया है तो वो गैर मजहब के दिखाएगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। चले, ये तो ड्रामों की बात हुई, थोड़ा सा फिल्म की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ 60s, 70s और 80s की जो दहाइयां थी उसमें फिल्म इंडस्ट्री ने काफी ग्रो किया, लेकिन फिर उसके बाद एक लंबा गैप आया, तो आप क्या समझती हैं क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी चीजें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं? जैसे खुदा के लिए एक फिल्म आई, मोहब्बत सच्चियां आई, रॉन्ग नंबर आई, और मुख्तलिफ फिल्म मैं लाइक बहुत अच्छी खासी फिल्म आई है रिसेंटली, आप क्या समझती हैं उनमें सही चीज दिखाई जा रही है या फिल्म का भी हमारे यहाँ ड्रामे जैसा ही हाल है तकरीबन? देखिए, मैं सबके लिए एक जजमेंट तो नहीं दे सकती बिकॉज एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, तो अच्छा कंटेंट भी हमारे यहाँ बना है, लेकिन खराब इस कलर का खराब बना है ना कि
ड्रामे फिर उसके आगे अच्छे लगने लगते हैं, मतलब क्या दिखाया है, क्या लाइफस्टाइल दिखाया है, क्या ड्रेसिंग सेंस दिखाया है, किस तरीके के लोग दिखाए हैं, सॉन्ग्स, डांसिंग, क्या क्या कुछ नहीं दिखाया, क्लब सिस्टम दिखाया। हमारे मुआशरे में ये चीज है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन ये गलत है, तो इसको गलत क्यों नहीं दिखाया जाता, इसको सही क्यों दिखाया जाता है कि ये कॉमन है। सही कह रही हैं आप, यकीन करें नमीरा, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आपने इतने वैलिड और इतने सही पॉइंट्स रेज किए हैं यहाँ पर कि आई विश कि आपकी इस गुफ्तगू को जो है हम अरबाब इख्तियार तक भी ये पहुंचे और लोगों को समझ आए कि रेटिंग ठीक है, रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है कि आप ये कहते हो कि जनाब लोग जो देखना चाहते हैं हम तो वही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा किसी हद तक सही है, लेकिन बड़ी हद तक ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, दैट इज द सोशल वैल्यू। आखिर में क्या पैगाम देना चाहोगी यूथ को स्पेशली? मैं यूथ को यही कहना चाहूंगी कि माना कि पाकिस्तान में हमारे पास मौके कम है, बेरोजगारी है, और हमारे यहाँ कंटेंट भी उस हिसाब के नहीं है कि हम दुनिया के साथ चल सके, लेकिन हमें सही और गलत पे तफरीक करनी आनी चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ दुनियावी एतबार से नहीं, दीनी एतबार से भी, कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, हमारे जो आगे हमसे जो छोटी जनरेशन है वो क्या देख रही है, हम हैं, हमारा तबका पढ़ा लिखा है ना, तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, हम भी सही चीजें बता सकते हैं, बजाय इसके कि उनके हाथ में मोबाइल थमा दें, उन्होंने कहें कि यूज करो यूट्यूब पे जो देखना है, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और पाकिस्तान का कानून शायद ये चीजें सही कर भी नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम जो देखना चाह रहे हैं वो क्या है। नबीरा, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू हैव रेज सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड आई विश कि जिस तरह से आपने बीइंग अ यूथ ये पॉइंट रेज किए हैं, लोग इनसे सीखें। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया पर, तो मेरा पेज है क्यूरेटर, फेसबुक पेज, मेरा ट्विटर आईडी है वकार_रजाक, और मेरा लिंक्डइन आईडी है वकार_रजाक, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वकार_रजाक786। आप यहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट और फीडबैक सजेशन जरूर दीजिएगा। अपना और अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और नमीरा को किसी कदर अपनी दुआओं का हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और हालात साजगर रहे, तो आपसे बहुत जल्द किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ किसी और एनर्जेटिक यूथ के साथ मुलाकात होगी। उस तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस।